कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले के सभी आरोपी सरकारी मकानों में रह रहे हैं, उन पर शिवराज सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस के दिग्गी राजा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले पर बयान देते हुए कहा कि व्यापम के सभी आरोपी सरकारी दामाद बने हुए सरकारी आवास में रह रहे हैं। शिवराज सरकार आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो भाजपा मुझ पर मानहानि का केस कर रही है। मैंने व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई को कई चिट्ठियां लिखी है। सीबीआई ने जांच करने को तो कहा था, लेकिन अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीबीआई भी सरकार के इशारों पर नाच रही है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वीडी शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। जो मैंने 2014-2015 में और फिर बाद में अब लिखी, जिसके ऊपर अब केस रजिस्टर हुआ है, और इस प्रकरण में तो जो हमारी मांग थी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की, वो स्वयं स्वीकार हुई है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं, आज तक उनको शिवराज सिंह सरकार ने हटाया नहीं है, सरकारी मकानों में रह रहे हैं। ये सब मिलीभगत शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।